मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट का होगा विस्तार, 25 मंत्री ले सकते हैं शपथ। शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, शाम को सिंधिया कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 22 पूर्व विधायकों से करेंगे बात। प्रियंका गांधी को दिल्ली में 1 अगस्त तक खाली करना होगा सरकारी बंगला, सरकार ने दिया 1 महीने का समय। कांग्रेस का जवाब, हमारे नेतृत्व से मोदी सरकार की अंधी नफरत जग जाहिर, प्रियंका ने लखनऊ में शिफ्ट होने का बनाया प्लान। लखनऊ के कॉल हाउस में शिफ्ट होंगी प्रियंका गांधी, घर के अंदर पहुंची आज तक की टीम। देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 लाख के पार, 24 घंटे में 434 लोगों की मौत। 24 घंटे में देश भर में सामने आए 19,000 से ज्यादा नए मरीज, 17,834 हुआ कुल मौत का आंकड़ा। महाराष्ट्र में फिर 5,500 से ज्यादा नए मामले, कुल मौत की तादाद 8,000 के पार, कुल केसेस 1,80,000। महाराष्ट्र में 79,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 93,000 से ज्यादा कोरोना से उभरे। मुंबई में भी हालात खराब, कुल मामले 79,000 से ज्यादा, अब तक 4,600 की मौत। पुणे में कोरोना विस्फोट, एक दिन में 1,251 नए केस, कुल तादाद 23,000 से ज्यादा। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 268 केस, कुल तादाद 14,000 के करीब। दिल्ली के नए कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट, पिछले 24 घंटे में 2,084 नए केस। 23 जून को दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा 4,000 पहुंचा था, अब कुल केस की तादाद 85,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 4,000 नए केस, कुल तादाद 94,000 से ज्यादा। चीन के खिलाफ अब प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल प्रहार, छोड़ दिया चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो। पीएम ने वीबो के डिलीट किए सारे पोस्ट, 2015 से जुड़े थे, करीब 2.5 लाख फॉलोअर थे। हिंदुस्तान के सभी हाईवे प्रोजेक्ट में चीनी कंपनीज पर लगेगा प्रतिबंध, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। चीन को आर्थिक मार की बड़ी तैयारी, छोटे और मध्यम उद्योगों में साझेदारी पर भी लगेगी पाबंदी। चीन से तनातनी के बीच कल लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैनिकों और कमांडर्स से करेंगे मुलाकात। चीन के साथ कमांडर स्तर की बात में बनी सहमति, दोनों देश 15 जून जैसी खूनी भिड़ंत फिर न करने पर सहमत। 72 घंटों तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर निगरानी रखेंगे, जिन बातों पर एक राय बनी उन पर अमल देंगे। टीएमसी की सांसद नुसरत जहां ने चीनी ऐप्स पर पाबंदी को लेकर उठाए सवाल, कहा सरकार ने जल्दबाजी में लिया फैसला। चीनी ऐप्स पर कार्रवाई पर चीन की मीडिया ने उड़ाया हिंदुस्तान का मजाक, लिखा चीनियों को बहिष्कार के लिए नहीं मिलेगा कोई भारतीय सामान। 59 चीनी ऐप पर पाबंदी के भारत के फैसले का अमेरिका ने किया समर्थन, कहा इससे हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा होगी और मजबूत। पीएम को भेजा गया राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आने का न्योता, सावन में 5 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच शिलान्यास की अपील। हरिद्वार से इस बार नहीं होगी कावड़ यात्रा, प्रशासन का फैसला, अगर गंगा जल लेने आए तो 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन। कावड़ यात्रा रद्द होने का किया जाएगा प्रचार प्रसार, हरिद्वार के डीएम ने की कई जिलों के अफसरों के साथ बैठक। पाकिस्तान में पंजाब की विधानसभा स्पीकर की हिमाकत, इस्लामाबाद में मंदिर निर्माण का किया विरोध। ई लर्निंग पर सरकार का जोर, स्वास्थ्य मंत्री ने नेशनल परीक्षा बोर्ड की ई बुक्स जारी की। यूपी के बांदा में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप, कुछ दिन पहले यहां एक कार्यक्रम में आए थे स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना। 25 जून को स्वास्थ्य मंत्री समेत तमाम अधिकारी और नेता भी हुए थे कार्यक्रम में शामिल, प्रिंसिपल ने स्वास्थ्य मंत्री को गुलाब देकर किया था स्वागत। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी और फल मार्केट में फिर से लगने लगी भीड़, कोरोना के फैलने के खतरे से बेपरवाह दिखे लोग। अमेरिका में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड उछाल, 24 घंटे के भीतर कोरोना के 52,000 नए केस सामने आए। व्लादिमीर पुतिन का 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ, संविधान में संशोधन पर 72% लोगों की मुहर।
आतंकी हमले में शहीद जवान को दी गई अंतिम विदाई। सीआरपीएफ के आला अधिकारियों ने अपने जाबाज साथी को दी विदाई। राजस्थान के सीकर के पैतृक गांव में होगा शहीद दीपचंद वर्मा का अंतिम संस्कार। कल सोपोर में सीआरपीएफ पार्टी पर हुआ था आतंकी हमला। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार कर रहा है सीज फायर उल्लंघन। आज भी पुंछ जिले के किरनी सेक्टर में हैवी फायरिंग की। भारत ने पहली बार यूएन में हांगकांग मुद्दे को उठाया। भारतीय प्रतिनिधि राजीव चंद्र ने कहा वहां मौजूदा हालात चिंताजनक। इंडियन आइडल फेम सिंगर रेणु नागर का बहला फुसलाकर भागे जाने का मामला। अलवर में परिजनों ने एक युवक के खिलाफ दर्ज कराया केस। असम के सीएम सर्वानंद सोनोवाल अचानक पुलिसकर्मियों के बीच पहुंचे, उनकी दिक्कतों के बारे में जाना। मुंबई में बिजली के अनाप शनाप बिलों का विरोध, कोर्ट में याचिका दाखिल, कई लोगों को मिले 10 गुना बिल। दमन के करीब कोस्ट गार्ड को समुद्र में मिली ईरान की संदिग्ध लावारिस बोट, मरीन पुलिस कर रही है जांच। अमेठी का शख्स कई हफ्तों से कुवैत में फंसा, सोशल मीडिया पर कुवैत से रेस्क्यू करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाईवे को ब्लॉक कर किया प्रदर्शन। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले का विरोध। हैदराबाद में डबल मर्डर के आरोपी ने की खुदकुशी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दंतेवाड़ा में 18 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, इन पर रेलवे ट्रैक उखाड़ने, स्कूल तोड़ने जैसी वारदातों का आरोप। अमरोहा में चोरी हुआ नवजात बच्चा 24 घंटे में बरामद, दो संदिग्धों से हो रही है पूछताछ। इंदौर में पुलिस चौकी परिसर में दो गुटों के बीच मारपीट, जमीन के विवाद को लेकर भी। कलबुर्गी में रात के कर्फ्यू की वजह से कारोबारियों को दिक्कत, होटल कारोबार पर सबसे ज्यादा असर।